प्यारे दोस्तों, मैं हूं विजय और आज हम सब ताकत और शक्ति का खेल वेट लिफ्टिंग के बारे में जानेंगे। वेट लिफ्टिंग व्यक्तिगत इंडोर खेलने वाला स्पोर्ट है जो विभिन्न वजनों के वर्ग के खिलाड़ियों में खेला जाता है। वेट लिफ्टिंग कोर्ट चौरस आकार का होता है जिसकी हर साइड 400 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर होती है। खिलाड़ी को अधिकतम वेट लिफ्ट और ओवरऑल लिफ्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर विनर चुना जाता है। लिफ्ट्स करने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करना जरूरी है और हर एक लिफ्ट में अधिकतम 3 बार उठाने का मौका मिलता है। वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में लिफ्टर्स को 2 तरह के लिफ्ट्स करने पड़ते हैं, स्नैच और क्लीन एंड जर्क। स्नैच में लिफ्टर बाबल को दोनों हाथों से नीचे झुककर ग्रिप करते हुए अपने पांव के आगे खींचते हुए सीधा सर के ऊपर तक सिंगल मूव में उठाता है। क्लीन एंड जर्क में क्लीन पहला भाग है जिसमें लिफ्टर बाबल को प्लेटफॉर्म से अपने कंधों तक लाता है। दूसरा भाग जर्क है जिसमें लिफ्टर वेट को कस के पकड़ते हुए बाबल रॉड को सर के ऊपर पूरा उठा कर ले आता है। वेट लिफ्टिंग के कुछ नियम हैं। किसी भी वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन को जिसमें बाबल रॉड नीज की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया हो उसे नो लिफ्ट मानते हैं। जैसे ही लिफ्टर का पूरा शरीर वजन उठाकर हिलना बंद हो जाता है, रेफरीज वेट को वापस नीचे रखने का सिग्नल देते हैं और इस तरह लिफ्ट्स पूरी मानी जाती हैं। रेफरी के सिग्नल के बाद ही लिफ्टर को बाबल अपने शरीर के सामने से नीचे करना चाहिए और अपनी ग्रिप को तभी रिलीज करना चाहिए जब वो कंधों के लेवल के नीचे आ जाए। सभी वेट लिफ्टर्स को नियमों का पालन करना चाहिए ताकि पेनल्टी का सामना ना करना पड़े। इसके कुछ उदाहरण हैं: चबूतर को फीट के अलावा किसी और शरीर के हिस्से से छूना, लिफ्ट शुरू करते वक्त सेंटर रेफरी को फेस ना करना, जांघों या घुटनों को कोहनी से या बाजू के ऊपरी हिस्से से छूना। क्यों दोस्तों, क्या आप वेट लिफ्टिंग के लिए तैयार हैं?